मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले दिनों हीरानगर क्षेत्र में हुई एक लिस्टेड बदमाश की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार आरोपियों पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों हीरानगर थाना क्षेत्र में एक एरोड्रम क्षेत्र के रहने वाले बदमाश अनिल दीक्षित की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। पुलिस को शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी कि आरोपियों का अनिल दीक्षित से कुछ समय पहले विवाद हुआ था, उसी का बदला लेने के लिए उसे गोली मार दी गई। उस पूरे मामले में फरार चल रही राजेश चौहान, दिनेश चौहान, सानू और एक अन्य पर पुलिस ने 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। इस पूरे मामले में पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सर, पिछले दिनों हीरानगर में गोली कांड हुआ, उसमें आरोपी फरार है, इनाम घोषित किया है। पुलिस ने जो हीरानगर में हत्या करके लोग भागे हुए हैं, आरोपियों पर पूर्व में इनाम घोषित किया गया था, किंतु अब इनाम को बढ़ाकर 30,000 का कर दिया गया है। पुलिस पूरी तत्परता के साथ में आरोपियों को पकड़ने के लिए लगी हुई है और शीघ्र ही आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लेंगे और सलाखों के पीछे पहुँचाएंगे। सर, अभी भी सर बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर जैसे एक्टिव, जैसा मैंने बताया कि पुलिस जो है पूरी तरह से तत्परता के साथ में गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है और जो भी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए पुलिस ले रही है।